नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिकंदरा दौसा निकटवर्ती गांव बिंदरवाड़ा में कृषि कार्य करते समय किसान का पैर फिसलने से 60 फीट गहरे कुएं में जा गिरा, जिसे घर नहीं पहुंचे पर घर वाले रात भर इधर उधर आसपास के गांवों में ढूंढते रहे। सुबह एक बालिका को कुएं में से आवाज सुनाई थी, जिसे लोगों ने टॉर्च जलाकर देखा तो राजेश गुरैया उसमें पड़ा दिखाई दिया, जिसे ग्रामीणों ने बाहर निकालकर राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आने के कारण चिकित्सकों ने उसे दौसा रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि राजेश बहुत गरीब है और ऐसे में यह हादसा होने से परिवार पर भारी विपदा आ गई है। परिवार के लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से कोई सहायता मिले तो राहत मिल सकती है। पक्षी ये जानवर घूमते हैं, तो हमारा ये भाई है राजेश, इसने क्या किया कि हमारा जानवरों के पीछे भग रहा था और अचानक खेत में नुकसान कर रहा था, और नुकसान के दौरान एक कुआ पहले का 10-20-50 साल पहले का कुआ खुद रहा था, कुएं के अंदर अचानक पता तो रहा नहीं कि वो जानवर को भगाना है, जानवर को भगाने की वजह से उस कुएं में गिर गया। हमको रात में इनको बहुत ढूंढा, हमने पूरे गांव में 2-3-5 गांव छान दिए, पर पता नहीं चला। हमको पता चलने के बाद में हमको हमारे भाई बंधुओं ने इतला की कि ये तुम्हारा भाई यहाँ पड़ा हुआ है, किसी ने डाला नहीं है, और हमको बहुत दुख के साथ इसको हम सिकंदरा हॉस्पिटल में लेके आए हैं, और हॉस्पिटल में लाके हमने इसका इलाज कराया तो ये बोल रहे हैं कि इसकी रीढ़ की हड्डी में परेशानी है। अभी साहब हमारी कोशिश ये है कि सरकार हमारे साथ में कुछ हमारी हेल्प करे, क्योंकि ये गरीब आदमी है, इसका इलाज करने में असमर्थ है।